भाई और बहनों, बहनें आज ज्यादा दिख रही हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। आमतौर से आपको पीछे बैठाया जाता है या कोने में बैठाया जाता है, आज पुरुषों को साइड में कर दिया है। अच्छा है। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले, 4000 किलोमीटर समुद्र से लेकर हिमालय तक चले और लाखों लोगों से मिलने का मौका, बात करने का मौका मिला। लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप नहीं गए। मणिपुर जहां आग लगी हुई है, सिविल वॉर सा माहौल है, वहां आप नहीं गए। उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन प्रदेशों में नहीं गए। तो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए जो मणिपुर से मुंबई तक जाए, और हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली, इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि पहली यात्रा में जिससे भी हम मिलते थे, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, सब लोग हमसे कहते थे कि देखिए, जो हिंसा फैल रही है, जो नफरत फैल रही है, उसका कारण अन्याय है। किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, गरीबों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय। हिंदुस्तान के 90% लोगों के साथ हर रोज अन्याय होता है। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, मगर हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। जितना उनके पास धन, उतना इनके पास धन। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है, 16 लाख करोड़ रुपया। आम आदमी को 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है नहीं समझ आता, अदानी को जरूर समझ आ जाता है, अरबपतियों को समझ आ जाता है, मगर आपको और हमको ये नंबर कितना बड़ा है नहीं समझ आता। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक साल के लिए अगर मनरेगा चलाना हो तो 65,000 करोड़ रुपए में चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का कर्जा माफ करके दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं का नहीं किया, कॉलेज की फीस का माफ नहीं किया, मजदूरों का नहीं माफ किया। जो देश में सबसे अमीर लोग हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। इससे बड़ा अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर उनका कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का, मजदूरों का,
छोटे व्यापारियों का, युवाओं का भी कर्जा माफ होना चाहिए, सिर्फ ये कहना। तो ये है आर्थिक अन्याय। दूसरा सामाजिक अन्याय। देश में तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। एग्जैक्टली कितने हैं कोई नहीं जानता, अंदाजे से कह सकते हैं कि तकरीबन 50%, 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, किसी को नहीं मान। 15% दलित है, 15% माइनॉरिटी है, 8% आदिवासी, 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। मगर अगर आप भागीदारी देखें तो हिंदुस्तान के 90% लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। ये मीडिया के हमारे मित्र खड़े हैं, कैमरा लिए खड़े हैं, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको दे दूं, मेरे पास है 50-60 है, देश के पूरे मीडिया को चलाते हैं, जो भी आप टीवी पे देखोगे ये 50 लोग निर्णय लेते हैं। अगर ये कुछ दिखाना चाहे, विपक्ष का कुछ दिखाना चाहे, ऊपर से एक ऑर्डर आता है, मोदी जी का चेहरा दिख जाता है। मीडिया पे आपको कभी किसानों की बात नहीं सुनाई देगी, मजदूरों की बात नहीं सुनाई देगी, बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं सुनाई देगी। मोदी जी ने वायदा किया था 400 रुपए का सिलेंडर था उस टाइम, मोदी जी ने कहा था महंगा है, आज कितने का मिलता है? 1100 का है। मीडिया में आपको कभी यह बात नहीं बताई होगी। अब लिस्ट निकालिए, उस लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। वही 20-25 लोग हैं जो पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वही 25 लोग हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। वो 24 घंटा आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा टीवी पे दिखाते हैं, आपकी जो समस्या उनके बारे में बोलते हैं। मीडिया को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, 200 कंपनियों की लिस्ट निकालिए, चाहते मैं आपको दे दूंगा। लिस्ट में आपको मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, वही 2-3% वाले लोग मिलेंगे। सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, जो कंपनी में बड़े बड़े अफसर होते हैं, उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक माइनॉरिटी, कुछ नहीं मिलने वाला। 90% हिंदुस्तान की उसमें कोई भागीदारी है ही नहीं। पैसा आप देते हो, अदानी जी को जो पैसा मिलता है वो आपकी जीएसटी से आता है, जो उनका कर्जा माफ होता है आपकी जीएसटी से आता है। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आप 1000 रुपए की शर्ट खरीदो, वो 1000 रुपए की शर्ट खरीदेगा 18%, आप दोगे 18% बोले, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी 50,000, जीएसटी एक जैसा दो। ठीक है, आप कहो कि भैया हमें कॉर्पोरेट इंडिया में कोई नहीं चाहिए, हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहूंगा ठीक है बताओ सरकार में आपकी कितनी हिस्सेदारी। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस अफसर है, हिंदुस्तान के पूरे बजट को बांटते हैं,
रुपये को वही लोग बांटते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा आएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, मनरेगा में कितना जाएगा, नेशनल हाईवे में कितना जाएगा, सेना में कितने जाएगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। नब्बे लोग हैं, पिछड़े कितने, तीन। दलित कितने, तीन। आदिवासी कितने, एक। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 100 रुपए भेजती है, तो पिछड़े दलित आदिवासी अफसर 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15%, बजट में हिस्सेदारी 1%, आदिवासी की 8% आबादी, बजट में अफसरों की हिस्सेदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, पिछले 50% है कम से कम, 5% की हिस्सेदारी है उनके, अफसर 5% का निर्णय लेते हैं। सब मिला के 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय दलित, पिछड़े और आदिवासी अफसर लेते हैं। सरकार में भी आपकी भागीदारी है, आपके लोग कोने में बैठते हैं, बड़ी मिनिस्ट्री में आपका कोई है ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपका कोई एक आदमी नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों की मालिक की लिस्ट निकालिए, उधर आप नहीं हो, कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, उधर नहीं हो, पैसा आप जरूर दोगे, बीमार होते हो जेब से आपका पैसा निकलेगा, अस्पताल को जमीन दी जाएगी, किसकी दी जाएगी, आदिवासी की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीब जनरल कास्ट की। जब जमीन देने का टाइम आता है आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जब भागीदारी देने का टाइम आता है आपको भगा देते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है, क्योंकि आपको डबल चोट लगती है, आप पिछड़े वर्ग की भी हैं और फिर आप महिला भी हैं, आप दलित वर्ग की भी हैं आप महिला भी हैं, आप आदिवासी वर्ग की हैं आप महिला हैं, आप गरीब जनरल कास्ट की हैं आप महिला हैं, तो आपको डबल चोट लगती है, हर चीज में आपको डबल चोट लगती है। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया, पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ, और फिर आपको बताया जाता है कि देखिए सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा, सर्वे कब होगा, 10 साल के बाद। तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। तो यह सबसे पहला काम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन सब संस्थाओं में, हर इंस्टीट्यूशन में, मीडिया में, सरकार में, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाएं दिखाई दे। आपके आबादी 50% है। खारगे जी ने आज 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे,
हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1,00,000 रुपए दी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1,00,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट पे जाए। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपए आए। क्रांतिकारी कदम है। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16,00,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1,00,000 रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं मिली। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाल रहे हैं। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के रखें। आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे, वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे, उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमें सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। तो ये हम आपके लिए काम करने जा रहे हैं। जो मैंने भागीदारी की बात कही, पिछड़े वर्ग की बात कही, दलितों की बात, दलित वर्ग की बात की, आदिवासी वर्ग की बात की, गरीब जनरल कास्ट की बात की, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चला जा सकता। रास्ता जाति जनगणना है।
सबकी गिनती पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित महिलाएं कितनी हैं, पिछड़ी महिलाएं कितनी हैं, गरीब जनरल कास्ट की महिलाएं कितनी हैं, गिनती और उसके बाद गिनती पे नहीं रुकने वाले हैं। गिनती पे नहीं रुकने वाले, गिनती के बाद आर्थिक, इकोनॉमिक और हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे, ये पता लगाना है कि मीडिया में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं की कितनी भागीदारी, दलित की कितनी, आदिवासी की कितनी, पिछड़ों की कितनी, सरकारों में आपकी क्या भागीदारी है, हिंदुस्तान का जो धन है उसमें से आपका कितना है और अरबपतियों का कितना है, यह डेटा निकालना है। इस डेटा के बिना 21वीं सदी में हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इस डेटा के बिना आप लोगों को इस देश में भागीदारी नहीं मिल सकती। इसीलिए मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक बात लिखी है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे और हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब का सर्वे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, आपके समाज के पास कितना है, महिलाओं के पास कितना है। ये क्रांतिकारी काम है, हरी क्रांति, आजादी, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये सब कांग्रेस पार्टी ने किए थे आपके साथ मिलकर। उतना ही बड़ा काम जाति जनगणना, उतना ही बड़ा काम, और ये हम आपके साथ मिलकर करने जा रहे हैं। आपके सामने जो दीवार खड़ी है उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में प्रतिभा जी, जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।